हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू द चैनल। नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और भाई, मैं हूं अभी गाज़ियाबाद में। यह है राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद। और अभी मैं जा रहा हूं करोल बाग। अब पता नहीं कितने किलोमीटर है, अभी लगाऊंगा। थोड़ा दिल्ली में एंटर हो जाऊं तब जाके GPS लगाऊंगा। और करोल बाग में हैं दो चार काम अपने को, दो तीन एसेसरीज देखनी है बाइक के लिए और एक दो राइडिंग गियर भी देखने हैं। बाकी भाई साहब, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, गर्म हवा चल रही है एकदम लू। और भाई, अपन अब आ चुके हैं एलिवेटेड रोड पे, ये दिल्ली को गाज़ियाबाद से कनेक्ट करता है। ये देखो भाई, कूड़े का पहाड़ तड़ो। ये देखो, चील ही चील उड़ती है भाई यहाँ। ये समझ में नहीं आया मुझे, कूड़े के पहाड़ के ऊपर इतनी सारी चील क्यों उड़ती क्यों है। ओ यार, बहुत बदबू आ रही है इधर। ओहो, निकलो यहाँ से भाई साहब। और ये घर बने यहाँ, यार लोग रह कैसे लेते हैं इधर इतनी बदबू में। और भाई, ये टोल जैसा देख रहे हो, ये लोग ना ये टैक्सी वैक्सी से टोल लेते हैं, टैक्सी ट्रक, क्योंकि ये दिल्ली में एंट्री हो रही है यहाँ से। और दिल्ली में घुसने के लिए कमर्शियल व्हीकल से टोल वसूला जाता है यहाँ पे। लेफ्ट में कह रहा है, चलो लेफ्ट में चलो। गूगल भी कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। देखो भैया, वो जा रही है मेट्रो ऊपर से, मस्त लग रही है ना एकदम। दिल्ली में भी यार ग्रीनरी वैसे बहुत ज़्यादा है। पुरानी दिल्ली थोड़ा सा कंजेस्टेड है, लेकिन ये वाला एरिया है बहुत ग्रीनरी है यार, अच्छा लगता है। ये तो कम दिख रही है, और दिल्ली में जो मिडिल में चले जाओगे बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है यार ऊँट। ये है यमुना, यहाँ पे तो भी ठीक लग रही है यमुना, थोड़ी सी साफ है इस जगह। ये भाई सेंट्रल दिल्ली, यहाँ पे सभी नेता वेताओं के बंगले, एम्बेसीज, ये सब यहीं हैं। बड़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी है यार यहाँ पे। ये देखो, और भैया अब हम कनॉट प्लेस आ चुके हैं। ये कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है। यहाँ पे दो सर्कल है, एक इनर सर्कल एक आउटर सर्कल। इनर सर्कल अंदर की तरफ है, जहाँ पे ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसका बैक साइड है वहाँ। और आउटर सर्कल ये इधर है बाहर की तरफ। क्या नाम से ही पता लग जाता है, इनर और आउटर। अरे 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 आंटी जी, देख लो भाई, ये है कनॉट प्लेस। अब यहाँ से करीब 5 किलोमीटर रह गया है करोल बाग, 15 मिनट दिखा रहा है। पीक वाली गर्मी हो रही है ना यार, इतनी धूप गर्मी, ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक भीड़ भाड़, इसने डबल कर रखा है सब मामला बहुत ज़्यादा यार, पसीने छूट गए। अब बस कहीं छाँव मिल जाए यार, छाँव में रहना है मुझे, धूप में नहीं रहना। धूप ने ऐसी एनर्जी खींच ली है ना बॉडी के अंदर से। हाँ तो भैया, आ गए हैं करोल बाग, और गर्मी ने ना हालत ऐसी ख़राब कर रखी है। एक पूरी बोतल पानी पी गया मैं, इतनी प्यास लग रही थी मुझको। तो ट्रैफिक देख लो कितना है। ये देखो सर, अब बाइक वाइक का ही काम होता है इधर हर जगह, या तो सेकंड हैंड बाइक्स बिकती हैं, नहीं तो बाइक की एसेसरीज का काम वाम सब इधर ही होता है। तो भाई, मैंने कुछ एसेसरीज ले ली हैं बैग में, वो देखो पीछे बंद गई हैं। और ये इससे लिया राइडर्स प्लैनेट, अच्छी शॉप है काफ़ी। और ये देखो, ये कावासाकी Z900 खड़ी है। यहाँ ऐसी ऐसी बाइक्स दिख जाती हैं। और भैया, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि और कुछ करने का मेरा प्लान तो था, लेकिन ना तो मेरी हालत है ना हिम्मत है, इसलिए अब मैं वापस गाज़ियाबाद की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। ये MG की इलेक्ट्रिक वाली कार, क्या नाम है इसका,
MG ZS EV। जब से मैं घर से निकला हूँ भाई साहब, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पी लिया मैंने। इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्रेन, पसीना वसीना इतना आ रहा है ना, अचानक बढ़ गई है गर्मी। मतलब कल परसों तक मौसम इतना बुरा नहीं था, अब देखो क्या हाल हो चुके हैं। और देखो हनुमान जी की मूर्ति, जय बजरंग बली। ये इन वाली बसों के साइड से चलो या पीछे चलो तो भाई ऐसी गर्मी फेंकते हैं ना, पहले से इतनी गर्मी है और इनके पीछे और चल लो थोड़ी देर तो हालत ही ख़राब हो जाए। ये देखो यार कितनी बढ़िया लगती है बजरंग बली की मूर्ति। और पता है इसके, ये निकले तो दिखाऊं, इसके नीचे मंदिर है इनका, इसके अंदर से मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। इतनी सड़ी गर्मी, ऊपर से ये लाल बत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी, यार 120 सेकंड की लाल बत्ती बताओ। वो तो भला हो कि थोड़ी छाँव में रुक गया हूँ मैं, अभी यहाँ धूप होती ना तो भई सब कुछ ड्रेन आउट हो जाता। और देखो ये क्या कम पे चढ़ के कर रहा है, तो ये काम कर रहा है और कई सारे इसको देख रहे हैं। ये बस वाले यार कहीं चला ना दे गलती से। अरे बढ़ो 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 आगे थोड़ा सा। फ़ोन में बैटरी भी बहुत कम हो गई है, पर अभी GPS लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ के रास्ते थोड़े से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के पार होते ही जैसे ही एलिवेटेड रोड वगैरह आ जाएगी फिर तो मुझे पूरा रास्ता पता है। तो पावर बैंक भी है बैग में, तो इसको बैग में रख दूँगा, बैग में डाल के चार्ज कर दूँगा इसको। देखो भाई ट्रैफिक देखो, ऐसा बीच में फंसाऊँ गाड़ियों के। यार धूप होए होए, आज तो सच में यार गर्मी ने ऐसी तैसी कर दी। जैसे रेंग रेंग के चलती हैं यार गाड़ियाँ, यहाँ के लोग कैसे रह लेते हैं भाई। कुछ लोगों का तो रोज़ का रूटीन होगा ये इतना ट्रैफिक झेलना। अपना शहर ही अच्छा है भाई, छोटा सुखी। देखो यार वो हाई कितना लंबा जाम है भाई, दिल्ली के अंदर अपना व्हीकल लाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो जरा, मतलब मैं 3-4 किलोमीटर भी नहीं चल पाया हूँ यार, कम से कम आधा पौना घंटा हो गया मुझे। क्या सेंस है, अब देखो ये ग्रीन हुई तो है, पता नहीं निकल पाऊँगा कि नहीं, लगता तो नहीं है मुझे, देखते हैं। अभी धीरे धीरे जा रही है, देखो देखते हैं चलते हैं कि नहीं भाई। निकल तो गए, हेलमेट के अंदर ना नहा चुका हूँ पसीने से मैं, इतना पानी पी लिया मैंने, अभी भी प्यास लग रही है मुझे। पहले झंझट से निकलूँ, ये दिल्ली से निकलूँ बाहर, फिर करूँगा कुछ भी। अरे नहीं यार रुको मत, चलते रहो। अरे यार कितनी बत्तियाँ हैं भाई। एक और जाम, यहाँ भी लाल बत्ती होगी। हे भगवान कहाँ फंस गया आज मैं। एलिवेटेड रोड पे आ गए हैं, यहाँ से पता है मुझे रास्ता, तो फ़ोन को लगा देता हूँ मैं चार्जिंग पे। भाई दिल्ली से आ गया था मैं गाज़ियाबाद अपने फ्रेंड के यहाँ पे, उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा आराम, और अब मैं एक अपने दूसरे फ्रेंड के यहाँ जा रहा हूँ। ये ट्रैफिक पीछा नहीं छोड़ेगा भाई कभी, मुझे लग रहा है। इंडिया में यार अगर तगड़ी सी बाइक ले लो ना 800-900 हज़ार CC की, तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता उसको चलाओगे कहाँ। ये बॉर्डर है, मतलब गाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा का बॉर्डर। सामने बोर्ड देख रहे हो ना, वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। अगर ये बोर्ड ना हो तो कभी पता ही ना चले कि कब गाज़ियाबाद है, कब नोएडा है, कब ग्रेटर नोएडा है, कब दिल्ली है। देखो ये लिख रहा है वेलकम टू ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। क्या बताओ, पता चला कुछ? जैसा वहाँ था वैसा यहाँ। और ये आ गया है गौर सिटी का एरिया। इस एरिया ने भी भाई रातों रात डेवलपमेंट करी है बहुत ज़्यादा। ये देखना गौर सिटी, क्यों हॉर्न मार रहा है वे। ये देखो जरा कितना बड़ा बना हुआ है गौर सिटी सेंटर,
ये सिटी मॉल, ये भी गौर वालों का ही है, काफ़ी अच्छा इलाका है ये भी। बस यार भीड़ भीड़ बहुत हो गई है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से अपने को यू टर्न लेना है इन गाड़ियों के बीच में से गुजरते हुए। गए हैं भैया, आगे कर ले भाई बाइक।